कैंडिडेट की ये डिमांड हो चुकी है कि मार्च में जो रिजल्ट जारी हुआ था बिहार एसटीईटी का, उसको आधार बना के बहाली दिया जाए या मार्च के रिजल्ट के आधार पर लोगों को ज्वाइन करवाया जाए, जॉब दिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये वाली मांग मार्च के रिजल्ट के बेसिस पर ज्वाइनिंग ये कितनी वैलिड है, कितनी सही है ये मांग, क्या आज के टाइम पे लॉजिकली करेक्ट लगता है या प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि मार्च के रिजल्ट के आधार बनाकर लोगों को ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डिमांड होता है। बिहार एसटीईटी के मामले में कई बार एग्जामिनेशन हुआ, कई बार रिजल्ट निकला, ये पूरा मामला आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्च में एग्जैक्टली हुआ क्या था, सबसे पहले उस पर एक बार गौर करते हैं। मार्च में जो रिजल्ट आया उसमें जिस किसी ने भी जो कैटेगरीज में जो 68 नंबर के आसपास था, 67 पॉइंट कुछ, जिसने उतना मार्क्स ऑब्टेन कर लिया, या जो जनरल कैटेगरी में 75 नंबर ले आया, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसको क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा था। मार्च में यही चीज हुआ था, किसी भी सब्जेक्ट का आप देख लें, जो भी 68 पर पहुंच गया था या 75 पर पहुंच गया था वो क्वालिफाइड था, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो नॉट क्वालिफाइड थे। रिजल्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब कई लोगों का ये कहना है कि इसी को आधार बना करके ज्वाइनिंग करवाया जाए या जॉब दिया जाए। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये 68-75 किस कंडीशन में कट ऑफ मार्क्स हो सकता है। क्वालिफाइंग स्कोर तो ये है, नोटिफिकेशन के हिसाब से 50% और 45% क्वालिफाइंग स्कोर है, 150 नंबर के एग्जामिनेशन है 75 और 68। लेकिन किस कंडीशन में ये 75 और 68 जो क्वालिफाइंग स्कोर है ये कट ऑफ स्कोर बन सकता है? देखिए, दो ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस कंडीशन में ये क्वालिफाइंग स्कोर ही कट ऑफ स्कोर बनता है। पहली कंडीशन तब जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो, अवेलेबल सीट से नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो, वैसी कंडीशन में जो कट ऑफ होगा वो क्वालिफाइंग स्कोर के बराबर हो सकता है, जैसा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले मामले में हुआ। दूसरा ये तब हो सकता है, दूसरी कंडीशन में ये चीज़ तब पॉसिबल है जब क्वालिफाइंग स्कोर कट ऑफ स्कोर बन जाए, जब क्वेश्चन बहुत टफ आ जाए। वैसे में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया वो अगर सीट से ज़्यादा भी हैं और क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, जैसे हम लोगों ने मैथ में देखा एक दिन बहुत टफ क्वेश्चन आ गया था मैथ पेपर 1 में, तो वैसी कंडीशन में भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन टफ आने की वजह से लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए, कम लोग उसको सॉल्व कर पाए, लोगों का स्कोर जो है वो डाउन हो गया और वैसी कंडीशन में क्वालिफाइंग स्कोर ही कट ऑफ स्कोर बन गया। तो ये दो कंडीशन में 68-75 कट ऑफ बन सकता है, क्वालिफाइंग स्कोर कट ऑफ बन सकता है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही थी? कुछ एक सब्जेक्ट में इस तरह की कंडीशन हो सकती है, पर ज़्यादातर सब्जेक्ट में ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस इस चैनल पर पढ़ाया गया है और कंप्यूटर साइंस को अच्छे तरीके से एनालाइज किया है मैंने, तो कंप्यूटर साइंस में कहीं भी कंडीशन ना वहाँ पर कैंडिडेट कम था और ना ही वहाँ पर सवाल कोई मुश्किल पूछा गया। अगर कंप्यूटर साइंस में कैंडिडेट देखें तो वो सेकेंड हाइएस्ट है, और कंप्यूटर साइंस के अगर सवाल आप चेक करें तो मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, किसी कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट से आप जाँच करवा लें, एक कंप्यूटर साइंस में जिस तरह का सवाल पूछा गया है वो कहीं भी प्लस टू लेवल के टीचर से इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह के सवाल कैंडिडेट को ठीक से एनालाइज नहीं करते हैं। रैंडमली कहीं भी इंटरनेट से वेबसाइट से उठा उठा के कॉपी करके क्वेश्चन डाल देना ये सही नहीं है। अगर आप बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर वाला सवाल देखें, वो जेन्युइन क्वेश्चन था कंप्यूटर साइंस का, वो सच में कंप्यूटर साइंस जिस भी कैंडिडेट ने पढ़ा है उसकी एबिलिटी को टेस्ट करता है। लेकिन ये जो सवाल पूछा गया ये आसान सवाल था, अगर मान लें किसी कैंडिडेट ने पहले से वो सब वेबसाइट देख रखी है तो फिर तो उसके लिए बहुत आसान हो गया। और कई सारे ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल बचकाना सवाल थे, जिसने 12वीं तक की भी कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखा है वो भी जवाब दे सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि कंप्यूटर साइंस में सवाल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा थे, और बाकी अगर सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग देखें तो जो दो कंडीशन मैंने पहले बताया, जिस कंडीशन में कट ऑफ मार्क्स जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो कट ऑफ स्कोर के बराबर हो सकता है, वो मीट नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब है कि उस टाइम पर रिजल्ट डिक्लेरेशन में ही गलती कर दी, दो आईएएस ऑफिसर बैठे हुए थे, मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि वो लोग कितना रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, और जो कुछ उन लोगों ने वहाँ बोला उसी को अगले दिन मीडिया ने पब्लिश कर दिया, लोगों में गलतफहमी फैल गई और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है।
लेकिन काफी लोग इस बात को समझ रहे थे कि इतनी भारी भीड़ में ये क्वालिफाइंग स्कोर कट ऑफ स्कोर कैसे बन गया। अब यहां पर कई लोगों का ऐसा भी ओपिनियन रहता है कि उसके बाद भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ और 30,000 जो है जो उस टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर कह रहे थे लोग वो 80,000 में तब्दील हो गया। लेकिन आप इस बात पर ही गौर करें, करप्शन होता है, कोई भी एग्जामिनेशन करप्शन फ्री नहीं है। STET में भी धांधली हुआ है, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, तो कई बार ये बात हो चुकी है कि STET में धांधली हुआ है, कंप्यूटर साइंस का टॉपर गायब है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन करप्शन इतना ज़्यादा भी नहीं हो सकता है कि 30,000 की संख्या बढ़ के 80,000 चला जाए, मतलब 50,000 लोगों को गलत ढंग से जोड़ दिया जाए। 30,000 है उसमें से 2,000 3,000 4,000 बेईमान होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ऑफिसर्स को भी पैसे चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं हो सकती है कि 30,000 80,000 बन जाए करप्शन की वजह से। ये बहुत मास लेवल करप्शन हो गया, पहले में गलती कर दी, इन लोगों ने ठीक से मामले को एनालाइज नहीं किया, ठीक से अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी, ठीक से वैकेंसी को नहीं देखा, नंबर ऑफ क्वालिफाइड को नहीं देखा और बस अचानक से आकर के जो कुछ पेपर पर लिखा हुआ था उसको मीडिया के सामने पढ़ दिया और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो संजय कुमार ने पूरा कर दिया ट्विटर पे जवाब दे करके और लोगों में गलतफहमी फैल गई। तो कहने का ये मतलब है ओवरऑल कि ये वाला जो डिमांड है कि जिसमें लोग ये कहते हैं कि मार्च वाले रिजल्ट को ज्वाइनिंग दे दिया जाए, ये प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं लगता है। और लोगों को डाउट था उस टाइम पे मार्च में, तभी तो लोग बार बार एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कॉल कर रहे थे, लोग तभी तो बार बार संजय कुमार को ट्विटर पे पूछ रहे थे। तो आज के टाइम पर अगर आप देखें तो जो सही फैसला है, जो समझदारी वाला फैसला है, वो यही है कि डिमांड करें सीट बढ़ाने की, बहुत सारी सीट अवेलेबल है, बहुत सारे जो स्कूल हैं बिहार में प्लस टू लेवल का तो बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सीट क्रिएट हो सकती है, 9-10 में भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है। तो सीट बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को एडजस्ट किया जाए, ये मांग होनी चाहिए, ना कि ये कि मार्च वाले रिजल्ट पे बाहरी लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको खुद से भी थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, जो बातें मैंने कहा है, जो बात मैंने कहा है कि दो ही ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो कट ऑफ स्कोर बन सकता है, क्या वो दो कंडीशन मीट होता है? तो ये सब सोचने की जरूरत है। आज के टाइम पे मेरे ख्याल में जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है डेफिनेटली आज के टाइम पे जॉब एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि सीट बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट किया जाए, ना कि इस तरह के मुद्दे कि मार्च में क्या हुआ था और अप्रैल में क्या हुआ था, क्योंकि ना सरकार की किसी कही हुई बात का कोई भरोसा है और ना ही सरकारी किसी एक्शन का कोई भरोसा है। अभी कल मैंने एक वीडियो आपको बना के बताया था, उसमें 2,200 रुपया फीस लेकर के एग्जामिनेशन करा करके उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सारा काम करा करके मेन टाइम पे जो ज्वाइनिंग देने की बारी थी तब कैंसिल कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि इस बात को खुद भी एनालाइज कीजिए, खुद भी समझने की कोशिश कीजिए कि सीट बढ़ाने की मांग ही सही मांग है, इस तरह की मांग की मार्च वाला रिजल्ट ऐसे हो तो ये मांग मेरे हिसाब से तो सही नहीं बैठता है कि आप मार्च वाले जो रिजल्ट था उसको बहुत ज़्यादा उठाएं। सीट बढ़ाने की मांग और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट को एडजस्ट करने की मांग, यही दुरुस्त मांग है। और जो कैंडिडेट 7th फेज में एडजस्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे, जो नहीं हो पाएंगे वो आगे के फेज में होते रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी बस जो होने जा रहा है ये फाइनल है और इसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। कुल मिला के जो अभी का जो मेन इशू है वो है सरकारी लापरवाही, जो पूरी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है इसमें इतने सारे ग्लिचेज हैं, इतना डिले है, इतने सारे कोर्ट केस हैं, अभी तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि मार्च वाली जो बात थी, मार्च में रिजल्ट की जो पब्लिशन की बात थी, उस पर ज़रा खुद का भी दिमाग लगाइए और उसकी क्या कंडीशन थी उसको समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टेक कहाँ कहाँ पर हुआ बोर्ड से सरकार से उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। पर मार्च में जो कुछ बोला गया वो उन लोगों ने गलती से, मुझे भी ऐसा लग रहा है उन लोगों ने लापरवाही में ये काम किया है, दोनों IAS ने और अपने शिक्षा मंत्री, लापरवाही में सारा कुछ हुआ, उन लोगों ने भी जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से कितना लफड़ा हो गया, कितने कैंडिडेट ने सुसाइड कर लिया, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत नुकसान हुआ है कैंडिडेट्स का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की कंडीशन को देखते हुए किसी भी क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए सबसे दुरुस्त मांग, सबसे सही मांग यही है कि आप सीट बढ़ाने की मांग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देने की मांग करें, यही मांग सबसे सही है, सबसे वैलिड। बाकी आपकी जो भी राय हो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर।